नमस्ते दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ, लेकिन बलात्कारियों को देश भ्रमण के लिए जेल से बाहर छोड़ाओ। जी हाँ दोस्तों, गुरमीत राम रहीम इन्हें कौन नहीं जानता, इन पर दो दो बलात्कार का आरोप लगा हुआ है और एक मर्डर का आरोप है। हर बलात्कार के लिए इन्हें 10 साल की सज़ा, मतलब टोटल 20 साल की सज़ा है, और मर्डर के लिए इन पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगा हुआ है। इसके बावजूद ये बीच बीच में 40 दिन के पैरोल में, मतलब 40 दिन के लिए ये छुट्टी मनाने के लिए जेल से बाहर देश के किसी भी कोने में जाते हैं, अपनी कभी कभी तो ऑनलाइन सभाएं करते हैं, कभी ऑफलाइन सभाएं करते हैं, और कुछ क्या बहुत सारे लोग जो इनके आज भी अंधभक्त है इन्हें देखने, इनसे सुनने के लिए इनके पास जाते हैं। इन सारे लोग का यहाँ जाना इस बात को दर्शाता है कि भारत क्यों कभी गुलाम बना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी अंधभक्तों की तरह, इन्हें मालूम नहीं है किन्हें फॉलो करना और किन्हें नहीं फॉलो करना है, आज भी अंधभक्तों की तरह बलात्कारियों को फॉलो करने के लिए पहुँच जाते हैं। और जिस जेल से ये बाहर आए हैं वो जेल है हरियाणा में। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि अरे राम रहीम जैसे बलात्कारी और मर्डरर बाहर देश में घूमने के लिए 40 दिन तक बाहर आ रहे हैं, तो आपको क्या कहना है, तो सुनिए मनोहर लाल खट्टर जी क्या कहते हैं। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा, इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। इन्हें मालूम ही नहीं है कि वो बाहर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आए हैं तो ऐसी कोई किसी प्रोसीजर के तहत आए होंगे, कोई कानून के तहत आए होंगे। अरे महाराज, अगर ऐसा कोई कानून है जो ऐसे ऐसे बलात्कारियों को, एक नहीं दो दो बलात्कार के कन्विक्टेड है, ऐसा नहीं इन पर आरोप लगाया गया है, इनमें इन्हें कोर्ट ने कन्विक्ट पाया है, मतलब कोर्ट ने इन्हें बलात्कारी पाया है, कोर्ट ने इन्हें रेपिस्ट पाया है, कोर्ट ने इन्हें मर्डरर पाया है, इसके बावजूद इन्हें 40 दिन के पैरोल में छोड़ना, क्या ये एक सही संदेश जाता है समाज के लिए? अगर ऐसा कोई कानून है जिसके तहत इन ऐसे ऐसे लोगों को बाहर छोड़ा जाता है, तो क्या उस कानून को बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या इसी दिन के लिए आपने गणतंत्र दिवस के इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाई है, और गणतंत्र दिवस हम मनाते ताकि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ऐसे मर्डरर 40-40 दिन तक समाज में घूमते रहे और अपने प्रवचन देते रहे? मतलब ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? किस बेटी को कैसे कोई पढ़ाएगा कि बेटी को कैसे बचाएगा, जब 40-40 दिन तक ऐसे ऐसे बलात्कारी देश में 40 दिन तक छूट जाते हैं, जिन पर केसेस कन्विक्ट है, जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, और ये कन्विक्टेड है, ना कि इन पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं मान भी लूँ कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत इन्हें हमेशा अंदर रखा जाए, तो क्या ऐसे कानून आने की ज़रूरत नहीं है? क्या इस कानून को बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या पिछले 7-8 साल में कानून नहीं बदले हैं, नए कानून नहीं आए हैं? आए हैं तो इस कानून पर क्यों इस पर काम नहीं किया गया? जब पंजाब में इलेक्शन था तब भी ये पैरोल में बाहर थे। तो ये तो एकदम से कहना है कि सरकार को कुछ मालूम नहीं है, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है कानून के तहत हो रहा है, तो सर आप कानून बदलिए ना, आप तो सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग जिन पे केसेस कन्विक्टेड है, मर्डरर है, उनको भी आप 40 दिन तक, और कहाँ पर गए हैं 40 दिन तक? अभी ये यूपी में गए हैं। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से निकलने के बाद राम रहीम यूपी स्थित बरनावा के आश्रम में 40 दिन रहेगा। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि बुलडोजर का मुख इनके तरफ भी घूमेगा, इनके तरफ भी मुड़ेगा? ऐसे ऐसे लोगों को 40 दिन तक पैरोल मिलता है और आप सोच कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, क्या यही देश बदल रहा है? अगर आपको इस मैसेज में, अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को हमेशा के लिए जेल के अंदर होना चाहिए, एक दिन के लिए भी इन्हें पैरोल नहीं मिलना चाहिए, तो आप इस मैसेज को हर इंसान तक पहुंचाइए, हर लोगों तक पहुंचाइए, और मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से, भारत की सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो ऐसा कानून लाइए, क्योंकि ये ऐसे लोगों को समाज में छोड़ देना ये समाज के हित में नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।